सीरीज शुरू करते हो। टॉपिक का नाम क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो पहले आप लिखिए हेडिंग, लिखो, फिर डील करते हैं इसको हम लोग आगे। देखिए तो हेडिंग हो गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। पहले लिखो हेडिंग आप। लिखिए इसका, ये टॉपिक है और इसका लिखो डिफिनेशन प्रॉपर। क्या इसका यहाँ पे होगा? व्हेन करेंट इज पासिस थ्रू अ कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ठीक है, क्या होता है? चलिए इसको लिखो, दिस फिनोमेना इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा बताइए इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? ठीक है, इसका तो मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ कि करंट पास करेंगे किसी वायर से तो ये अपने सराउंडिंग में क्या जनरेशन करेगा? हीट का। एग्जांपल बताओ, कहाँ पे इसका यूज करते हैं हम लोग? कहाँ पे इसका यूज होता है? ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या आपका है। यहाँ पे एग्जांपल में आयरन जो यूज़ करते हैं हम लोग घर में, एग्जांपल इसका बल्ब हो गया। ठीक है, बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें भी क्या होता है? यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का यूज़ होता है। और बताओ सेकेंड एग्जांपल बताओ। हाँ बताइए सर। हाँ तो पहला इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। होता क्या है कि जब किसी वायर से करेंट पास करते हैं तो क्या होता है? वो अपने सराउंडिंग में हीट को जनरेट करता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, रूम हीटर देखे हो ना आप? रूम हीटर क्या होता है उसमें? रूम हीटर को हम रूम में लगा देंगे तो क्या होता है? कुछ टाइम के बाद पूरा रूम क्या होता है? पूरा रूम का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो वहाँ तो वो हुआ क्या पे देखिए, तो यहाँ पे सेकेंड आपका एग्जाम्पल है रूम हीटर। और बताइए यहाँ पे और एग्जाम्पल क्या है? वाटर हीटर देखे हो आप लोग ना, पानी गर्म करने वाला, वो भी ले सकते हैं। उस सब का यहाँ पे ले सकते हैं आप। नेक्स्ट बताइए क्या होता है? हाँ इंडक्शन, इंडक्शन क्या बोलते हैं? फर्नेस बोलते हैं उसको, चूल्हा भी बोल सकते हैं, फर्नेस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और बताइए नेक्स्ट बोलो। और बोलिए नेक्स्ट, और बताओ फाइव में क्या है इसका? आयरन, आयरन या क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है ना, ये सब एग्जांपल है जहाँ पे क्या करते हैं हम किसी वायर से करंट पास करवाते हैं, वो क्या करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है। ये सब हमारा क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देख लो इसको, एक करंट पास करवाएं एक वायर से। देखिए तो एक वायर यहां पे कंडक्टर है, हम क्या करेंगे इसको यहां पे हम क्या करते हैं? एक वायर, चलिए देखिए सर, एक वायर है और इस वायर को हम क्या करते हैं? बैटरी से कनेक्शन कर दिए, बैटरी से कनेक्शन किया पहले, और अभी स्विच को हम ऑफ रखेंगे। ठीक है, स्विच को ऑफ रख दिए, पहले स्विच को ऑफ रखें, थर्मोमीटर लाएं और इसे टच करवाएं। तो यहाँ पे देखा कि टेम्परेचर, पहले इसको मेजर कर लिए हम, पहले टेम्परेचर कितना इसका था मान लेते, पहले से इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, अभी स्विच को ऑफ रखें हम और इस टाइम थर्मोमीटर लगाएं यहाँ पे वायर में, तो इसका टेम्परेचर आया 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, स्विच को हम ऑन कर दिए और फिर से थर्मोमीटर को लेकर आए,
अब टच किए इसमें वायर में, तो यहाँ पे बताया इसका टेम्परेचर, इसका आ गया इसका कितना 223 डिग्री सेल्सियस, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं इतना आएगा। अब मान लो कि यहाँ चलाया कितना 50 डिग्री सेल्सियस, और करंट बढ़ाते गए, करंट को इंक्रीज करते गए, तो अब और करंट बढ़ाएं तो टेम्परेचर कितना हो गया इसका 70 डिग्री सेल्सियस, मतलब इंक्रीज करते जाएगा, कोई रेशियो हमने बोल रहा है कि इसी रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जिस तरह से हम करंट पास करते गए ऐसे करंट को इंक्रीज करते गए, तो यहाँ पे क्या हुआ ये टेम्परेचर क्या हुआ इंक्रीज करते गया, तो इसका मीनिंग यहाँ पे हुआ कि करंट जब पास कर रहा है तो क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है अपने सराउंडिंग में क्या कर रहा है, ये हीट को जनरेट कर रहा है, तब ना हीट का इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या कि एक वायर को लिए हम, वायर को बैटरी से कनेक्शन किए हैं, स्विच को पहले ऑफ रखें और इसका टेम्परेचर चेंज किए, चेक कर लिए, चेक किए इतना आया, जब स्विच को हम ऑन कर दिए तो कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर इतना आ गया, कुछ देर और छोड़ दिए फिर टेम्परेचर चेक किए तो कुछ और आया। सिंपल एग्जांपल आप दे सकते हो, तो आयरन जो नहीं होता घर का इलेक्ट्रिक आयरन, उसी को देख लो आप, प्लग लगा के छोड़ दो, जो ऑटोमेटिक होता है उसको नहीं करना है, ऑटोमेटिक वाला नहीं, जो नॉर्मल करते रहेगा जिसमें बढ़ते रहेगा, या हीटर का ही बात कर लो आप, वाटर हीटर क्या करते हैं पानी में डाल दिए इसको, पहले चेक कर लिए, जब स्विच को ऑफ रखे हैं तब पानी का टेम्परेचर हम चेक कर लिए, मेजर कर लिए, दो मिनट के बाद फिर चेक किए टेम्परेचर कुछ फिर बढ़ेगा, फिर दो मिनट और छोड़ दिए फिर टेम्परेचर चेक करेंगे, इस तरह से देखो क्या बहुत देर के बाद चेक करते रहेंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है इसका। तो सिंपल यही हुआ कि जब किसी वायर से करंट पास कर रहा है तो क्या करेगा वो अपने सराउंडिंग में हीट को जनरेट करेगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, चलिए लिखिए, तो आगे लिखो हेडिंग इसका, सेकेंड लिखो, लिखिए यहाँ पे लिखिए स्टेटमेंट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, लिखो इसका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, चलो बैठो लिखे, तो लिखे इसका पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट, पॉइंट मत दो इसको, पॉइंट नीचे देंगे हम अभी, डायरेक्ट लिखे द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड अराउंड अ कंडक्टर इज, पहला यहाँ देखिए क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ करेंट पासिंग थ्रू इट इसका तो यहाँ मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग यहाँ पे हुआ कि हीट का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली है करंट का स्क्वायर का, और इसको हम लिखते हैं आगे जाके इसमें क्या लिखेंगे, वो एच डायरेक्टली हो जाएगा आई का स्क्वायर, और इसको इक्वेशन वन ले लो, ये पूछा एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है ना आपका। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसको, सेकेंड पॉइंट तो करंट का डायरेक्टली हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है रेजिस्टेंस का, टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ठीक है, दैट इज यहाँ पे क्या होगा हीट डायरेक्टली होगा रेजिस्टेंस का, और आप इसके लिए सकते हो एच डायरेक्टली हो जाएगा आर का, इक्वेशन नंबर टू। देखिए इसको नंबर थ्री क्या होता है, डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल ठीक है। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, हीट इज यहाँ पे जाएगा, हीट डायरेक्टली होगा टाइम का, इसका मीनिंग यहाँ पे होगा एच डायरेक्टली टी का हो जाएगा। और इसको इक्वेशन लेना है थ्री, लिख लो इसको, ये इक्वेशन थ्री हो गया, नोट कर लो इसको। समय में आया, इसमें तीन पॉइंट है ना इसको। पहला क्या हो गया, हीट यहाँ पे किसका किसका डायरेक्टली है, करंट का स्क्वायर का। सेकंड किसका है, रेजिस्टेंस का। और थर्ड में किसका है, टाइम का। ठीक, कंबाइनिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी गेट यहाँ पे क्या है इसका जगह देखे तो पहला बताओ डायरेक्टली किसका है, करंट का है ना ये। हाँ सर, पहला किसका है, करंट का स्क्वायर हो गया। दूसरा कौन सा यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे किसका है, तो फर्स्ट हो गया, देखिए फर्स्ट हो गया करंट स्क्वायर का, ये मिला दिए। सेकेंड में किसका है, आर का है, और थर्ड में क्या है, टाइम का है। तो तीनों को कंबाइन कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगा, आर का डायरेक्टली हो जाएगा और टी का डायरेक्टली हो जाएगा। और एच इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा के इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी। फिर यहाँ पे क्या होता है, के को क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख लीजिए इसको। इन एसआई यूनिट यहाँ पे क्या होता है, एसआई यूनिट के का वैल्यू हम वन ले लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, सो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा आ गया, लिखो, ये फॉर्मूला हो गया अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। ये है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, लिखिए इसको, लिख लो इसको। और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे। हीट का अमाउंट यहाँ पे जो आएगा, ये फॉर्मूला इसका आ गया। चलो कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन है इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ऑफ 10 ओम, फोर 2 सेकेंड बनेगा, देन फाइंड अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड लिख लो इसको, कितना अमाउंट का हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करना आपको। बनेगा क्वेश्चन, देख लो इसको, देखो तो देख लीजिए, गिवन क्या है आंसर। पहले बताया एक रेजिस्टेंस है, मतलब एक वायर है, इसमें कितना करंट पास कर रहा है, तो करंट यहां से पास कर रहा है I is equal to 2 एम्पियर हो गया वो। और रेजिस्टेंस कितना है इसका, रेजिस्टेंस कितना है वायर का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना इसका दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है ना, उधर। और टाइम कितना दिया इसका, 2 सेकेंड बनेगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई का वैल्यू 2 का स्क्वायर, आर का वैल्यू 10, टाइम कितना है 2, बना लो इसको, कितना आएगा 4 आएगा इंटू 10 इंटू 2, कितना आएगा ये 80 जूल ना, लिख लो इसको 80 जूल होगा इसका, लिख लो, लिख लीजिए।